हेलो मैली, हाउ आर यू? जी, आई एम गुड. क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम जाहिद इकबाल है. मैं साउथ अफ्रीका में रहता हूँ, फ्रॉम पाकिस्तान. अच्छा, साउथ अफ्रीका में आप? जी जी, मैं साउथ अफ्रीका में हूँ. ये मेरा दोस्त है. हेलो, ये तो पूरी हाउ आर यू? पार्टी हो रही है वहाँ पे. ये मेरा दोस्त है, ये साउथ अफ्रीका, ये हमारी पार्टी हो रही है. जी हेलो जी, जी, बोलिए. कैसे? आपको जी आ रही है अभी आवाज, आपकी आ रही है. हम यहाँ पे थ्री फ्रेंड्स आपके दोस्त देख रहे थे. एक ये वाला दोस्त है, ये हमारा दोस्त वो जा रहा है. पूरे मॉल में खड़े होके आप लोग महलीज को देख रहे हैं. वाह जी वाह. जी जी, हम आपको जब भी आप लाइव आती हैं, हम बहुत ट्राई करते हैं, लेकिन आपकी आपसे कॉल रब्ता नहीं होता है. लेकिन आज तो हो गया, बहुत दिल को खुशी हुई है. हम यहाँ हमारा सेल फोन की शॉप है, यहाँ पे हम यहाँ पे साथ काम कर रहे हैं, साथ आपको देख रहे हैं. मेरे को एक सेल फोन भिजवाए ना फिर आप. मेरे सेल फोन जी, बिल्कुल 1,00,000 सेल फोन आपके लिए जी. अभी ये मैं कहाँ हूँ? ये हमारा एक छोटा सा क्यू लगाया हुआ है इधर मॉल में, आपको दिखाते हैं. ये वाला तो जी. अच्छा, ये सारा वो जो स्मोकिंग वाला था ना, वो वेपिंग. ये सेल फोन भी रखे हुए हैं, लेकिन अंदर बहुत बड़ी शॉप है हमारी. अच्छा, ये देखें जी. अभी इस साइड पे भी हमारी तरफ से एक सेल फोन हमें गिफ्ट कीजिए ना, तो हम आपकी इतनी बड़ी मार्केटिंग करेंगे ना अपने सारे मेंबर्स के. आप पाकिस्तानी आपके पास जी, आपको शॉप दिखाता हूँ ना, आपको इंशाल्लाह गिफ्ट देंगे, मसला नहीं है. हमारा काम ही ये है कि सेल फोन का. चले वाओ, ये देखें ये शॉप. ये शॉप है, ये सारे सेल फोन पड़े हैं हमारे पास. बड़े बड़े सेल फोन है सारे, आईफोन, सैमसंग, हर किस्म के फोन है जी. क्यों नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे. अब हुक्म करें कौन सा चाहिए, आईफोन या सैमसंग पसंद है, कौन सा पसंद है आपको? आप अपना कोई परमानेंट एड्रेस देना, हम उस पे पार्सल कर देंगे, मसला नहीं है. इधर हमारा काम ही इधर यही है. सैमसंग पूछ रही हूँ ना कि आपको कौन सा पसंद है फोन. हमको आईफोन पसंद है. आईफोन पसंद है. अच्छा, मुझे मैं सैमसंग यूज करती हूँ, मैं सैमसंग की ज्यादा वो हूँ. अच्छा, हमारे पास सैमसंग भी है, आईफोन भी है. हमने एक आईफोन रखा हुआ है, सैमसंग रखा है. जो कस्टमर जो पसंद करता है, हम उसे कहते हैं हम ये वाला यूज कर रहे हैं. तो अभी साउथ अफ्रीका में अभी मास्क पहनना है, यानी अभी कोरोना की वजह से मास्क वास्क ये चीज खत्म. जी, यहाँ पे सबने मास्क पहने हुए हैं, यहाँ पे पहनना पड़ता है हमें काम के लिए. अच्छा, काम पे होते हैं मास्क कर दिया. कनाडा में खत्म हो गया मास्क, थैंक गॉड. लेकिन यहाँ पे तो कहीं भी पिकन पे हम जा ही नहीं सकते मास्क के बगैर. साउथ अफ्रीका में पाकिस्तानी कम्युनिटी कितनी बड़ी है? बड़ी बहुत बड़ी है जी, बहुत बड़ी है. लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग है इधर कम्युनिटी पाकिस्तान. अच्छा जी, तो अब आपसे मैं पूछती हूँ, आप क्या समझते हैं जो अभी ये हरकत हुई है, जैसे फ्रांस में हुई थी और अभी ये यूके में हो रही है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जी दोबारा क्वेश्चन करें, समझ नहीं आया. जो ये फ्रांस में हरकत हुई थी, याद है ना, उस बंदे का गला काट दिया था. अब एक और केस इसी तरह से आया है यूके में, जहाँ पर एक बंदे को धमकियां आ रही है. वो ऐसे हुआ था कि उसने एक इधर जो है ना, इधर की साउथ अफ्रीकन लेडी, उससे शादी की हुई थी ना, तो उनका कोई आपस में मसला हुआ था, इसलिए वो बंगाली था, पाकिस्तानी नहीं था. उसने उसका गला काट दिया था, लेकिन वो बहुत बड़ी सफलता. नहीं नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कि अभी जो फ्रांस में बंदा था ना, उसने आप जो है प्रॉफिट मोहम्मद की तस्वीरें दिखा दी थी, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बात कर रहा था, सिखा रहा था स्कूल में, तो उसका गला काट दिया था. इसी तरह से अभी एक और टीचर ने यूके में तस्वीरें दिखा दी हैं, तो उसके लोग पीछे पड़े, उनको जॉब भी नहीं आ रहा है. तो मैं ये पूछ रही हूँ, वेस्टर्न कंट्रीज, एक सेकंड, जो वेस्टर्न कंट्रीज हमको सारी चीजों की इजाजत देती हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो वहां हम लोग जाकर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट?
एक्चुअली हमें इस बारे में इल्म नहीं है, लेकिन जहाँ पे हम रहते हैं यहाँ पे हमें किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। लड़कियों ने बुरखा पहना होता है, हिजाब पहना होता है, जिस तरह जो चाहे अपना ड्रेस कर सकते हैं, किसी को कोई रुकावट नहीं। आजादी है सबको, बिल्कुल आजाद है हम। हम साउथ अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में रहते हैं ना। हमारा जहाँ पे शॉप है यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव पे मस्जिद है, दो मस्जिद है, ठीक है, अच्छा, नमाज पढ़ो जुमा पढ़ो, हमारा कोई कोई पाबंदी किसी नहीं किस्म है, की पाबंदी जांच भी नहीं, है बहुत ज्यादा, कोई पाबंदी नहीं है सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो वो तो आपको, क्योंकि साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी चल रही है, इस वजह से आप लोगों को राइट है ना कि आप अपना राइट रिलीजन का वो जी करें। बिल्कुल, जी जी बिल्कुल बिल्कुल मगर वही बात आ जाती है ना, अगर हम किसी मुसलमान मुल्क में जाते हैं तो वो क्रिश्चियन या हिंदू को वो सेम राइट नहीं मिलते वहां पर जितने आपको मिले हुए हैं। नहीं, इधर ऐसा नहीं है, इधर तो बिल्कुल हर चीज लेवल पे है। हाँ, आपकी आवाज थोड़ी थोड़ी कट रही है, मगर थैंक यू सो मच, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आप मुझको इंस्टाग्राम या कहीं पे मैसेज कीजिएगा तो फिर मैं आपको दूंगी जगह जहां पर आप मुझे गिफ्ट कर सकते हैं, फिर मैं आपकी शॉप की शाउट आउट कर दूंगी आपकी शॉप के लिए। एक्चुअली मेरे ईमेल पे कर दीजिएगा, ईमेल इज बेटर फॉर मी। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपसे जी, बात थैंक यू सो करके मच बड़ा जी, बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। इंशाल्लाह फिर आपसे कभी रहता हुआ तो इंशाल्लाह बात करेंगे जरूर। ठीक है, जी। थैंक यू सो बाय मच, थैंक यू सो बाय। मच जी। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।